शराब लेके चला हो जा। शराब की बात है ना भाई साहब? नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के बाहर छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, और लाठीचार्ज के दौरान जो छात्र नेता थे उनको किस तरीके से पिटाई हुई उसकी तस्वीर देखिए। ये देखिए आप कि जब छात्र नेता वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज से जो छात्र नेता जिस तरीके से घायल हुए वो देखिए। और साथ में IPS मोनिका सेन से जब इस पूरे घटनाक्रम पर बयान लिया गया तो उन्होंने लाठीचार्ज से साफ तौर से इनकार कर दिया। मोहित हमारे साथ में है। मोहित, क्या हुआ था उस वक्त? आज हम विद्यार्थियों की जो बहुत वाजिब जो मांगे हैं उन मांगों पर हमने आज कॉलेज में आए दिन बच्चे मांग रहे थे, जिसपे कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा था, जिसपे आज सारे NSOI छात्र संघ ABP ने मिलकर आज जब विरोध प्रदर्शन करा और कॉलेज बंद कराने के लिए गए तो हमारा सामने लेक्चरर उन्होंने नहीं किया, हमारा प्रशासन BJP के जो मुनाइंदे थे, जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने हमारे सामना करा। और सामने के बावजूद हमको समझाइश कर रही थी कि आए दिन छात्र हितों की मांग है, छात्र हितों की मांग है, हमारी मांगों को नदारद करते हुए हम पे लाठीचार्ज किया। क्लॉक टावर के CI साहब ने, IPS मैडम ने, मोनिका सेन मैडम ने आते ही लाठीचार्ज करा और बच्चों की मांग को नजरअंदाज करते हुए हमारी एक संग धक्का मुक्की करके एक एक आदमी उठा उठा के बहुत बुरी तरीके से अपराधियों की तरह मारपीट करी। क्या महाविद्यालय का कोई प्रशासनिक अधिकारी अंदर से मिलने आप लोगों से आया? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया मिलने के लिए, और कॉलेज के प्रशासन के आदेश अनुसार ही हम पे लाठीचार्ज करा। कॉलेज के प्रशासन ने खुद सामने नहीं होते हुए पुलिस प्रशासन को सामने करा, पूरा BJP का प्रशासन लगा हुआ है कॉलेज के अंदर, BJP की सरकार है, BJP की सरकार पे छात्र हितों पे जो अत्याचार हो रहा है, हमारी जो वाजिब मांगे, वाजिब मांगों पे हम जब हमारी सुनवाई के लिए जाते हैं तो हमको नजरअंदाज करते हुए हमारे संग मारपीट गाली गलौज किया जाता है, क्योंकि हम सब NSOI संगठन से है और हमारी मांगों को दबाया जाता है। ये थे NSOI के छात्र नेता मोहित मल्होत्रा, जिनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की तस्वीरें आपने देख ली होगी, उसके साथ साथ अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के बाद लाठीचार्ज किया था। देखिए अगली तस्वीर। आज हमने छात्र हितों की मांग को लेकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि लेक्चरर्स छात्रों को भगा के पीटते हैं। बाई चांस किसी छात्र के पास ID कार्ड नहीं होता है तो वो मारपीट करते हैं, हम हमारी सामान्य मांगों को लेकर जाते हैं तो हमारे को धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे तो कॉलेज प्रशासन की शेप पे क्लॉक टावर CAE IPS मोनिका सेन ने आके हमारे साथ लाठीचार्ज करवाया और छात्रों को भगा के पीटा। ये सब BJP की शेप से हो रहा है और हम सब छात्र संघ मिलकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हमारे छात्र संघ पदाधिकारी जो अंदर बंद है उनको छुड़ाएंगे। शिवप्रकाश गुर्जर, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जब छात्र सभी मिलकर शांतिपूर्वक जो हमारा विरोध प्रदर्शन था, आज का हमारा कार्यक्रम जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था, और हम विद्यार्थियों से वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जो प्रशासन के द्वारा जो बदतमीजी की जाती है उसके विरोध में जो हम आज उनसे निवेदन कर रहे थे कि आप लोग कॉलेज को खाली कर दें जिससे हमारा आंदोलन मजबूत हो, छात्रों की एकता की आवाज़ पूरे देश प्रदेश में फैले, उसको कुचलने के लिए यहाँ के कॉलेज प्रशासन के लोगों ने पुलिस का सहारा लेते हुए पुलिस की पीठ के पीछे छुपकर हम छात्र छात्राओं पर, छात्र नेताओं पर उन्होंने लाठियों से हम पर हमला करवाया और हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और प्रदेश स्तर पर इस आवाज़ को उठाएंगे कि इस तरह से जो ये कॉलेज के प्रशासन की, लेक्चरर्स की जो गुंडागर्दी आम छात्रों पर जो हावी हो रही है उसके विरोध में हम लोग इस आंदोलन को और तेज करेंगे और इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ईश्वर राजू, हम अपनी शांतिपूर्ण हमारी जायज मांगों को लेके हम क्लासों में जाके स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा आंदोलन को आप सफल बनाएं। जेल भरो का आंदोलन था हमारा, हमने शुक्रवार को कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन भी दिया था और हमने उनको कहा भी था अगर हमारी 2 दिन के अंदर हमारी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं की जाती है तो सोमवार को हम कॉलेज बंद करेंगे और जेल भरो का आंदोलन करेंगे। इसके फलस्वरूप हमने आज गेट बंद करके प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे टायर जला के, तो माननीय मोनिका सेन आके स्टूडेंटों पर लाठियाँ बरसाई, स्टूडेंटों को 2-3 किलोमीटर भगा के पीटा और 15-20 कार्यकर्ता थे हमारे NSOI और ABP के, उनको जेल में ले गए। इसके विरुद्ध हम इस कड़ी निंदा करते हैं और जो सरकार ने
जो बीजेपी सरकार ने जो छात्रों पर जो लाठियां बरसा के जो छात्रों की बात को दबाने की कोशिश की, इसके हम कड़ी निंदा करते हैं। नवीन सोनी, अजमेर, अनुसूचित जिला अध्यक्ष। आज कॉलेज क्लॉक टावर एरिया में आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद यहाँ पे वो यहाँ जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरने आ रहे हैं, बेचारे जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसमें व्यवधान पैदा कर रहे थे और जिससे उन्होंने थोड़ा सा वो एग्रेसिव हो गए और उन्होंने यहाँ पे मतलब गैर कानूनी हरकतें करनी शुरू की, जिस पर उनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया, आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आउटसाइडर्स भी देखा? एक स्टूडेंट्स हैं इसमें जिनके खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई। मैडम, लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, गाली गलौज हुई है, पुलिस ने गाली गलौज की है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई लाठीचार्ज या गाली गलौज की कोई घटना नहीं हुई है। उन्हें समझाइश करके यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो जो इनोसेंट बच्चे मौजूद हैं जिनको वो पढ़ने नहीं दे रहे हैं, फॉर्म नहीं भरने आने, उनको बच्चियाँ हैं जिनको डरा रहे हैं, वो एक स्टूडेंट आके, तो जिसमें हम सख्ती कार्रवाई सख्ती करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। लाठीचार्ज की कोई मैडम कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मैं कह चुकी अभी चल रहा है मैडम। गिरफ्तार कितने लोगों को किया मैडम? अभी मैं थाने जाऊंगी तब इस चीज़ पे बता पाऊंगी। ठीक है।